एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल आर्ला सिंह। सो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे भले मस्त और स्वस्थ होंगे। सो एवरीवन, देख सकते हैं यहाँ पे निरीक्षण हो चुका है और मेरी निरीक्षण टाइम अवेलेबल ही नहीं थी, और वही निरीक्षण जो हुआ है उसी का सामान सब अभी सारी कपड़ा जो है ऐसे ही रखा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं, अभी ले नहीं जाया गया है। और अब बारी है कन्यादान की, तो कन्यादान के लिए मेरे पापा बैठे हुए हैं। अब दुल्हन और मेरी मम्मी आएगी जो कि अभी घर में है, दुल्हन को ले रहे हैं नीचे, और अब होगा कन्यादान, और उसके बाद होगा सात फेरा, तब होगा शादी, अब तब विदाई, ऐसे ही होगा, ऐसे ही कुछ है। तो मैं इस टाइम पहुंची थी, जो अभी कन्यादान हो रहा है इस टाइम में पहुंच गई थी, और कन्यादान होने के बाद होता है सात फेरा, तब सात बच्चन, ऐसे ही सब कुछ होता है रस्म। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है ब्लॉग। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा काफ़ी ख़राब था, तो आप लोग सुन ही रहे होंगे ब्लॉग में, मेरी बुआ पूछ रही है कि काहे तू चले ली, अभी रहती रहनी चाहिए, तो तबीयत ठीक नहीं, ऐसी बुआ बोल रही है, मतलब बोल रही थी आराम रेस्ट करने के लिए। फिर भी मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा ठीक हुआ नहीं कि मैं आके बैठ गई देखने के लिए शादी, और मिस कर देती, बहन का शादी तो बार बार होता नहीं है, तो इसलिए मैं आ गई देखने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जी बैठे हुए हैं और मंत्र वगैरह है जो कुछ पढ़ रहे हैं, मुझे आई डोंट नो। और अभी कन्यादान होगा, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें और एंड एंड तक बने रहें ब्लॉग में। बैठ जाए ना, कुर्सी ले लेना, बैठ जाइए ना उधर से। धीरे धीरे ठीक है, इसमें नहीं लग सके तो मैं ट्वीट करूंगा, निश्चित है तब तो सब चुप कर थोड़ा ठीक है। दुल्हन आ चुकी है नीचे से, कपड़ा वगैरह चेंज करके, कपड़ा चेंज करने के लिए ले गया था नीचे, ले गई थी मम्मी नीचे, क्योंकि कन्यादान होता है शायद वो दुल्हन के यहाँ से जो घर से ससुराल से जो कपड़ा आया रहता है साड़ी वगैरह, वही ब्यौती साड़ी पहनाया गया है इसको। और अभी होगा कन्यादान का रस्म, तो निरीक्षण जैसे कि पता है आप लोग को हो चुका है। निरीक्षण में जो भी सामान वामान, ज्वेलरी, साड़ी, कपड़ा और भी बहुत कुछ मिला है इसको, जो नीचे चला गया सारा सामान। और मैं देख नहीं पाई थी, वो वीडियो भी मेरे पास नहीं है, और कोई वीडियो लिया भी नहीं, और जो लिया था उसके फोन से डिलीट हो गया। पूछे भी तो कि वीडियो है किसी के पास तो मुझे दे दो, तो कोई नहीं दिया मुझे, बट इट्स ओके। अब मैं जब ठीक होके आ गई तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी रस्म और रिवाज का मैं वीडियोज़ ले रही हूँ, तो पंडित जी मंत्र के साथ उच्चारण के साथ, और यहाँ पे कन्यादान का रस्म स्टार्ट हो गया है। और पीछे जो बैठा हुआ है वो सब लड़का का भाई और जीजा जी यही सब बैठा हुआ है, कुछ बारात के लोग सब इस साइड में बैठे हैं, और इस साइड जो लड़की के इस मैं जिधर से वीडियोस बना रही हूँ उधर लड़की ग्रुप में जो भी है वो सब बैठे हुए हैं, और उधर से कैमरामैन वीडियोस ले रहे हैं,
चलिए बने रहिए पूरे ब्लॉग में, एंड एंड तक बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मैं यहाँ पे घूम घूम के वीडियोस भी ले रही हूँ साथ ही साथ। हाँ हम ना खाओ जब तक, तब तक खा ही नहीं सको। फेस ठीक लग रहा है आंटी, मेरा लग रहा है बहुत नहीं अच्छा लग रहा है ना। मैं इतनी चप्पू चप्पू सब लगा रही हूँ, अभी भी थोड़ा चल रही इतना लग लग सांस तबियत ठीक नहीं है तो सुंदर लग के कति करेंगे। कौन सा हमारा ब्याह है जिसका ब्याह हो सुंदर देखे ना पागल है। हम जिसके भी है बस उसको अच्छे लगने के लिए, दुनिया में और किसी को लगे नहीं। हम तो कैसे दे रहे हैं मुक्तावली श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन करो कुर्यात सदा मंगलम अस्मिन दिवसी वा अस्यां रात्रौ अस्मिन संगम मंडपा मंत्री श्रीमद विविध विद्या विचार चात्री माथा में दर्द विदा तो तक मुझे कविता न होते निगरा गोपी दशा सुरभिगत मंडपस्वस्ती श्रीमत शुक्ल अजुर्वेदागत पाज संज्ञा आद्य नंदनीय सखा धाय मम्मी से पूछे ना तो कहा कि काहे से तुम्हारे लड़ा पतले के कारण कुछ टाइम लगा पागल भी बिंकी दिखा थे जब तू बोले लगल बेचारी साथ देखे मंगलाय
भाई साहब कपड़ा खराब है।